प्यारे देशवासियों, नमस्ते। दीपावली के पावन पर्व के दरमियान आपने छुट्टियां बहुत अच्छे ढंग से मनाई होगी, कहीं जाने का अवसर भी मिला होगा और नए उमंग उत्साह के साथ व्यापार रोजगार भी प्रारंभ हो गए होंगे। दूसरी ओर क्रिसमस की तैयारियां भी शुरू हो गई होगी। समाज जीवन में उत्सव का अपना एक महत्व होता है। कभी उत्सव घाव भरने के लिए काम आते हैं तो कभी उत्सव नई ऊर्जा देते हैं, लेकिन कभी कभी उत्सव के ही समय में जब संकट आ जाए तो ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है और पीड़ादायक लगता है। दुनिया के हर कोने में से लगातार प्राकृतिक आपदा की खबरें आया ही करती हैं और न कभी सुना हो न कभी सोचा हो ऐसी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की खबरें आती रहती हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कितना तेजी से बढ़ रहा है यह हम लोग अनुभव कर रहे हैं। हमारे ही देश में पिछले दिनों जिस प्रकार से अति वर्षा और वो भी बेमौसमी वर्षा और लंबे अरसे तक वर्षा, खास करके तमिलनाडु में जो नुकसान हुआ है और राज्यों को भी इसका असर हुआ है, कई लोगों की जाने गई। मैं इस संकट की घड़ी में उन सभी परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। राज्य सरकारें राहत और बचाव कार्यों में पूरी शक्ति से जुट जाती हैं। केंद्र सरकार भी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर के काम करती हैं। अभी भारत सरकार की एक टीम तमिलनाडु गई हुई है, लेकिन मुझे विश्वास है तमिलनाडु की शक्ति पर इस संकट के बावजूद भी वो फिर एक बार बहुत तेज गति से आगे बढ़ने लग जाएगा और देश को आगे बढ़ाने में जो उसकी भूमिका है वो निभाता रहेगा। लेकिन जब ये चारों तरफ संकटों की बातें देखते हैं तो हमें इसमें काफ़ी बदलाव लाने की आवश्यकता हो गई है। आज से 15 साल पहले प्राकृतिक आपदा ये कृषि विभाग का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि तब ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक आपदा यानी अकाल यहीं तक सीमित था। आज तो इसका रूप ही बदल गया है। हर लेवल पे हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करना बहुत अनिवार्य हो गया है। सरकारों ने, सिविल सोसाइटी ने, नागरिकों ने, हर छोटी मोटी संस्थाओं ने बहुत वैज्ञानिक तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करना ही पड़ेगा। नेपाल के भूकंप के बाद मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान नवाज शरीफ से बात की थी और मैंने उनसे एक सुझाव दिया था कि हम सार्क देशों ने मिलकर के डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए एक जॉइंट एक्सरसाइज करना चाहिए। मुझे खुशी है कि सार्क देशों की एक टेबल टॉप एक्सरसाइज और बेस्ट प्रैक्टिसेस का सेमिनार वर्कशॉप दिल्ली में संपन्न हुआ, एक अच्छी शुरुआत हुई है। मुझे आज पंजाब के जलंधर से लखविंदर सिंह का फोन मिला है। मैं लखविंदर सिंह पंजाब जिला जलंधर से बोल रहा हूँ। हम यहाँ पे जैविक खेती करते हैं और काफी लोगों को खेती के बारे में गाइड भी करते हैं। मेरा एक सवाल है कि जो ये खेतों को लोग आग लगाते हैं, पुआल को या गेहूं के नाड़ को, कैसे इनको लोगों को गाइड किया जाए कि ये धरती माँ को जो सूक्ष्म जीवाणु है उनका कितना खराब कर रहे हैं, और जो ये प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, इससे कैसे राह मिले। लखविंदर सिंह जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपका संदेश सुनकर के। एक तो आनंद इस बात का हुआ कि आप जैविक खेती करने वाले किसान हैं और स्वयं जैविक खेती करते ही इतना ही नहीं, आप किसानों की समस्या को भलीभांति समझते हैं और आपकी चिंता सही है। लेकिन ये सिर्फ पंजाब हरियाणा में ही होता ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ये हम लोगों की आदत है और परंपरागत रूप से हम इसी प्रकार से अपने फसल के अवशेषों को झलाने के रास्ते पर चल पड़ते हैं। एक तो पहले नुकसान का अंदाज नहीं था, सब करते हैं इसलिए हम करते हैं, वही आदत थी। दूसरा, उपाय क्या होते हैं उसका भी कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ और उसके कारण ये चलता ही गया, बढ़ता ही गया और आज जो जलवायु परिवर्तन का संकट है उसमें वो जुड़ता गया। और जब इस संकट का प्रभाव शहरों की ओर आने लगा तो जरा आवाज भी सुनाई देने लगी। लेकिन आपने जो दर्द व्यक्त किया है वो सही है। सबसे पहला तो उपाय है हमें
हमारे किसान भाइयों बहनों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उनको सत्य समझाना पड़ेगा। ये फसल के अवशेष जलाने से हो सकता है समय बचता होगा, मेहनत बचती होगी, अगली फसल के लिए खेत तैयार हो जाता होगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। फसल के अवशेष भी बहुत कीमती होते हैं, वे अपने आप में वो एक जैविक खाद्य होता है, हम उसको बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, अगर उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, तो वो पशुओं के लिए तो ड्राई फ्रूट बन जाता है। दूसरा, ये जलाने के कारण जमीन के जो ऊपर की परत होती है वो जल जाती है। मेरे किसान भाई बहन, पल भर के लिए सोचिए कि हमारी हड्डियां मजबूत हो, हमारा हृदय मजबूत हो, किडनी अच्छी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर शरीर के ऊपर की चमड़ी जल जाए तो क्या होगा? हम जिंदा बच पाएंगे क्या? हृदय साबुत होगा तो भी जिंदा नहीं बच पाएंगे। जैसे शरीर की हमारी चमड़ी जल जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही ये फसल के अवशेष ठूंठ जलाने से सिर्फ ठूंठ नहीं जलते, ये पृथ्वी माता की चमड़ी जल जाती है, हमारी जमीन के ऊपर की परत जल जाती है, जो हमारे उर्वरा भूमि को मृत्यु की ओर धकेल देती है, और इसलिए उसके सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। इस ठूंठ को फिर से एक बार जमीन में दबोच दिया तो भी वो खाद बन जाता है, या अगर किसी गड्ढे में ढेर करके कैंचुए डाल करके थोड़ा पानी डाल दिया तो उत्तम प्रकार का जैविक खाद बन करके आ जाता है। पशु के खाने के काम तो आता ही आता है, और हमारी जमीन बचती है। इतना ही नहीं, उस जमीन में तैयार हुआ खाद उसमें डाला जाए तो वो डबल फायदा देती है। मुझे एक बार केले की खेती करने वाले किसान भाइयों से बातचीत करने का मौका मिला, और उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा अनुभव बताया। पहले वो जब केले की खेती करते थे और जब केले की फसल समाप्त होती थी तो केले के जो ठूंठ रहते थे उसको साफ करने के लिए प्रति हेक्टर कभी कभी उनको 5,000, 10,000, 15,000 रुपये का खर्च करना पड़ता था, और जब तक उसको उठाने वाले लोग ट्रैक्टर वैक्टर लेके आते नहीं तब तक वो ऐसे ही खड़ा रहता था। लेकिन कुछ किसानों ने प्रयोग किया, उस ठूंठ के ही 6-6, 8-8 इंच के टुकड़े किए और उसको जमीन में गाड़ दिए, तो अनुभव ये आया कि इस केले के ठूंठ में इतना पानी होता है कि जहां उसको गाड़ दिया जाता है वहां अगर कोई पेड़ है, पौधा है, कोई फसल है, तो 3 महीने तक बाहर के पानी की जरूरत नहीं पड़ती। वो ठूंठ में जो पानी है वही पानी फसल को जिंदा रखता है। और आज तो उनके ठूंठ भी बड़े कीमती हो गए हैं, उनके ठूंठ में से ही उनको आय होने लगी है। जो पहले ठूंठ की सफाई का खर्चा करना पड़ता था, आज वो ठूंठ की मांग बढ़ गई है। छोटा सा प्रयोग भी कितना बड़ा फायदा कर सकता है, ये तो हमारे किसान भाई किसी भी वैज्ञानिक से कम नहीं है। प्यारे देशवासियों, आगामी 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस डिसेबिलिटीज पूरा विश्व याद करेगा। पिछले बार मन की बात में मैंने ऑर्गन डोनेशन पर चर्चा की थी, ऑर्गन डोनेशन के लिए मैंने नोटों के हेल्पलाइन की भी चर्चा की थी, और मुझे बताया गया कि मन की उस बात के बाद फोन कॉल्स में करीब 7 गुना वृद्धि हो गई और वेबसाइट पर 2.5 गुना वृद्धि हो गई। 27 नवंबर को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया गया। समाज के कई नामी व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन सहित बहुत नामी लोग इससे जुड़े। ऑर्गन डोनेशन मूल्यवान जिंदगियों को बचा सकता है। अंगदान एक प्रकार से अमरता लेकर के आ जाता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जब अंग जाता है तो उस अंग को नया जीवन मिल जाता है, लेकिन उस जीवन को नई जिंदगी मिल जाती है। इससे बड़ा सर्वोत्तम दान क्या हो सकता है? ट्रांसप्लांट के लिए इंतजार कर रहे मरीजों, ऑर्गन डोनेशंस, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की एक नेशनल रजिस्ट्री 27 नवंबर को लॉन्च कर दी गई है। नोटों का लोगो, डोनर कार्ड और स्लोगन डिजाइन करने के लिए mygov.in के द्वारा एक नेशनल कॉम्पिटिशन रखी गई, और मेरे लिए ताजुब था कि इतने लोगों ने इतना हिस्सा लिया, इतने इनोवेटिव वे में और बड़ी संवेदना के साथ बातें बताई। मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र पर भी व्यापक जागरूकता बढ़ेगी और सच्चे अर्थ में जरूरतमंद को उत्तम से उत्तम मदद मिलेगी, क्योंकि ये मदद कहीं से और से नहीं मिल सकती जब तक कि कोई दान न करे। जैसे मैंने पहले बताया, 3 दिसंबर विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग
वे भी एक अप्रतिम साहस और सामर्थ्य के धनी होते हैं। कभी कभी पीड़ा तब होती है जब कहीं कभी उनका उपहास हो जाता है, कभी कभार करुणा और दया का भाव प्रकट किया जाता है। लेकिन अगर हम हमारी दृष्टि बदलें, उनकी ओर देखने का नजरिया बदलें, तो ये लोग हमें जीने की प्रेरणा दे सकते हैं, कुछ कर गुजरने की प्रेरणा दे सकते हैं। हम छोटी सी भी मुसीबत आ जाए तो रोने के लिए बैठ जाते हैं, याद आता है कि मेरा तो संकट बहुत छोटा है, ये कैसे गुजारा करता है, ये कैसे जीता है, कैसे काम करता है। और इसलिए ये सब हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। उनकी संकल्प शक्ति, उनका जीवन के साथ जूझने का तरीका और संकट को भी सामर्थ्य में परिवर्तित कर देने की उनकी ललक काबिले दाद होती है। जावेद अहमद, मैं आज उनकी बात बताना चाहता हूँ। 40-42 साल की उम्र है। 1996 कश्मीर में जावेद अहमद को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। वे आतंकियों के शिकार हो गए लेकिन बच गए। लेकिन आतंकवादियों की गोलियों के कारण किडनी गंवा दी, इंटेस्टाइन और आंत का एक हिस्सा खो दिया, सीरियस नेचर की स्पाइनल इंजरी हो गई। अपने पैरों पर खड़े होने का सामर्थ्य हमेशा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन जावेद अहमद ने हार नहीं मानी। आतंकवाद की चोट भी उनको चित नहीं कर पाई, उनका अपना जज्बा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बिना कारण एक निर्दोष इंसान को इतनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी हो, जवानी खतरे में पड़ गई हो, लेकिन न कोई आक्रोश न कोई रोष। इस संकट को भी जावेद अहमद ने संवेदना में बदल दिया। उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा में अर्पित कर दिया। शरीर साथ नहीं देता है, लेकिन 20 साल से वे बच्चों की पढ़ाई में डूब गए हैं। शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कैसे आए, सार्वजनिक स्थानों पर, सरकारी दफ्तरों में विकलांग के लिए व्यवस्थाएं कैसे विकसित की जाए, उस पर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी उसी दिशा में ढाल दी। उन्होंने सोशल वर्क में मास्टर डिग्री ले ली और एक समाज सेवक के रूप में, एक जागरूक नागरिक के नाते, विकलांगों के मसीहा बन करके वे आज एक साइलेंट रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या जावेद का जीवन हिंदुस्तान के हर कोने में हमें प्रेरणा देने के लिए काफी नहीं है क्या? मैं जावेद अहमद के जीवन को, उनकी तपस्या को और उनके समर्पण को 3 दिसंबर को विशेष रूप से याद करता हूँ। समय अभाव में भले ही मैं सिर्फ जावेद की बात कर रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसे प्रेरणा के दीप जल रहे हैं, जीने की नई रोशनी दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। 3 दिसंबर ऐसे सब हर किसी को याद करके उनसे प्रेरणा पाने का अवसर है। हमारा देश इतना विशाल है, बहुत सी बातें होती हैं जिसमें हम सरकारों पर डिपेंडेंट होते हैं। मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, गरीब हो, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उनके लिए तो सरकार के साथ, सरकारी व्यवस्थाओं के साथ लगातार संबंध आता है। और एक नागरिक के नाते जीवन में कभी न कभी तो किसी न किसी सरकारी बाबू से बुरा अनुभव आता ही आता है। और वो एकाध बुरा अनुभव जीवन भर हमें सरकारी व्यवस्था की देखने का हमारा नजरिया बदल देता है। उसमें सच्चाई भी है, लेकिन कभी कभी इसी सरकार में बैठे हुए लाखों लोग सेवा भाव से, समर्पण भाव से ऐसे उत्तम काम करते हैं जो कभी हमारे नजर में नहीं आते, कभी हमें पता भी नहीं होता है, क्योंकि उतना सहज होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि कोई सरकारी व्यवस्था, कोई सरकारी मुलाजिम ये काम कर रहा है। हमारे देश में आशा वर्कर, जो पूरे देश में एक नेटवर्क है, हम भारत के लोगों के बीच में कभी कभी आशा वर्कर के संबंध में चर्चा न मैंने सुनी है न आपने सुनी होगी, लेकिन मुझे जब बिल गेट फाउंडेशन के विश्व प्रसिद्ध परिवार एंटरप्रेन्योर के रूप में दुनिया में उनकी सफलता एक मिसाल बन चुकी है, ऐसे बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स, उन दोनों को हमने ज्वाइंट पद्मभूषण दिया था पिछली बार। वे भारत में बहुत सामाजिक काम करते हैं। उनका अपना निवृत्ति का समय और जीवन भर जो कुछ भी कमाया है
गरीबों के लिए काम करने में खपा रहे हैं। वे जब भी आते हैं, मिलते हैं, और जिन जिन आशा वर्करों के साथ उनको काम करने का अवसर मिला है, उनकी इतनी तारीफ करते हैं, उतनी तारीफ करते हैं, और उनके पास कहने के लिए इतना होता है कि ये आशा वर्कर को क्या समर्पण है, कितनी मेहनत करते हैं, नया नया सीखने के लिए कितना उत्साह होता है, ये सारी बातें वो बताते हैं। पिछले दिनों उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक आशा वर्कर का स्वतंत्रता दिवस पर विशेष सम्मान किया। उड़ीसा के बालासोर जिले का एक छोटा सा गांव, तेंदा गांव, ये आशा कार्यकर्ता और वहां की सारी जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की है, अनुसूचित जनजातियों से के ही वहां लोग हैं, गरीबी है और मलेरिया से प्रभावित क्षेत्र है। और इस गांव की एक आशा वर्कर जमुना मणि सिंह, उसने ठान ली कि अब मैं इस तेंदा गांव में मलेरिया से किसी को मरने नहीं दूंगी। वो घर घर जाना, छोटे सा भी बुखार की खबर आ जाए तो पहुंच जाना, उसको जो प्राथमिक व्यवस्थाएं सिखाई गई हैं उसके आधार पर उपचार के लिए लग जाना, हर घर कीटनाशक मच्छरदानी का उपयोग करे उस पर बल देना, जैसे अपना ही बच्चा ठीक से सो जाए और जितनी केयर करनी चाहिए, वैसे आशा वर्कर जमुना मणि सिंह पूरा गांव मच्छरों से बच के रहे इसके लिए पूरे समर्पण भाव से काम करते रहती हैं। और उसने मलेरिया से मुकाबला किया, पूरे गांव को मुकाबला करने के लिए तैयार किया। ऐसे तो कितनी जमुना मणि होगी, कितने लाखों लोग होंगे जो हमारे गल बगल में होंगे, हम थोड़ा सा उनकी तरफ एक आदर भाव से देखेंगे, ऐसे लोग हमारे देश की कितनी बड़ी ताकत बन जाते हैं, समाज के सुख दुख के कैसे ने बड़े साथी बन जाते हैं। मैं ऐसे सभी आशा वर्करों को जमुना मणि के माध्यम से उनका गौरवगान करता हूं। मेरे प्यारे नौजवान मित्रों, मैंने खास युवा पीढ़ी के लिए जो कि इंटरनेट पर सोशल मीडिया में एक्टिव है, माई गॉव, उस पर मैंने 3 ई बुक रखी है। एक ई बुक है स्वच्छ भारत की प्रेरक घटनाओं को लेकर के, सांसदों के आदर्श ग्राम के संबंध में, और हेल्थ सेक्टर के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप इसको देखिए, देखे इतना ही नहीं औरों को भी दिखाइए, इसको पढ़िए, और हो सकता है कि आपको भी ऐसी कौन सी बातें जोड़ने का मन कर जाए तो जरूर आप माई गॉव को भेज दीजिए। ऐसी बातें ऐसी होती कि बहुत जल्द हमारे ध्यान में नहीं आती है, लेकिन समाज की तो वही सही ताकत होती है, सकारात्मक शक्ति ही सबसे बड़ी ऊर्जा होती है। आप भी अच्छी घटनाओं को शेयर करें, इन ई बुक्स को शेयर करें, ई बुक्स पर चर्चा करें, और अगर कोई उत्साही नौजवान इन ई बुक को लेकर के अड़ोस पड़ोस की स्कूलों में जाकर के 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चों को बताएं कि देखो भाई ऐसा यहां हुआ, ऐसा वहां हुआ, तो आप सच्चे अर्थ में एक समाज शिक्षक बन सकते हैं। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए राष्ट्र निर्माण में आप भी जुड़ जाइए। मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से चिंतित है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, डगर डगर पर उसकी चर्चा भी है, चिंता भी है, और हर काम को करने से पहले एक मानक के रूप में इसको स्वीकृति मिलती जा रही है। पृथ्वी का तापमान अब बढ़ना नहीं चाहिए, ये हर किसी की जिम्मेवारी भी है, चिंता भी है। और तापमान से बचने का एक सबसे पहला रास्ता है ऊर्जा की बचत, एनर्जी कंजर्वेशन। 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस है। सरकार की तरफ से कई योजनाएं चल रही हैं, एलईडी बल्ब की योजना चल रही है। मैंने एक बार कहा था कि पूर्णिमा की रात को स्ट्रीट लाइट बंद करके, अंधेरा करके घंटे भर पूर्ण चांद की रोशनी में नहाना चाहिए, वो चांद की रोशनी का अनुभव करना चाहिए। एक किसी मित्र ने मुझे एक लिंक भेजा था देखने के लिए, और मुझे उसको देखने का अवसर मिला तो मन कर गया कि मैं आपके भी ये बात बताऊं। वैसे इसकी क्रेडिट तो जी न्यूज़ को जाती है, क्योंकि वो लिंक जी न्यूज़ का था। कानपुर में नूर जहां करके एक महिला, टीवी पर से लगता नहीं है कि वो ज्यादा उसको पढ़ने का सौभाग्य मिला होगा, लेकिन एक ऐसा काम वो कर रही है जो शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा। वे सोलर ऊर्जा से सूर्य शक्ति का उपयोग करते हुए गरीबों को रोशनी देने का काम कर रही है।
वो अंधेरे से जंग लड़ रही है और अपने नाम को रोशन कर रही है। उसने महिलाओं की एक समिति बनाई है और सोलर ऊर्जा से चलने वाली लालटेन उसका एक प्लांट लगाया है और महीने के 100 रुपये के किराए से वो लालटेन देती है। लोग शाम को लालटेन ले जाते हैं, सुबह आकर के फिर चार्जिंग के लिए दे जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में, करीब मैंने सुना है 500 घरों में लोग आते हैं, लालटेन ले जाते हैं। रोज का करीब 3-4 रुपये का खर्च होता है लेकिन पूरे घर में रोशनी रहती है। और ये नूरजहां उस प्लांट में सोलार एनर्जी से ये लालटेन को रिचार्ज करने का दिन भर काम करती रहती है। अब देखिए जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व के बड़े बड़े लोग क्या क्या करते होंगे, लेकिन एक नूरजहां शायद हर किसी को प्रेरणा दे ऐसा काम कर रही है। और वैसे भी नूरजहां का तो मतलब ही है संसार को रोशन करना, इस काम के द्वारा रोशनी फैला रही है। मैं नूरजहां को बधाई देता हूं और मैं जीटीवी को भी बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने कानपुर के एक छोटे से कोने में चल रहा इस काम देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। बहुत बहुत बधाई। मुझे उत्तर प्रदेश के श्रीमान अभिषेक कुमार पांडे ने फोन किया है। जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार पांडे बोल रहा हूँ गोरखपुर से। बतौर एंटरप्रेन्योर मैं आज यहाँ वर्किंग हूँ। प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत ही बधाइयां देना चाहूंगा कि उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है मुद्रा बैंक। हम प्रधानमंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जो भी ये मुद्रा बैंक चल रहा है इसमें किस तरह से हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स उद्यमियों को सपोर्ट किया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है। अभिषेक जी धन्यवाद, गोरखपुर से आपने मुझे जो संदेश भेजा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फंड द अनफंडेड, जिसको धनराशि नहीं मिलती है उनको धनराशि मिले। और मकसद है, अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो 3 E's, 3 E, एंटरप्राइज, अर्निंग, एम्पावरमेंट। मुद्रा एंटरप्राइज को एनकरेज कर रहा है, मुद्रा अर्निंग के अवसर पैदा करता है और मुद्रा सच्चे अर्थ में एम्पावर करता है। छोटे छोटे उद्यमियों को मदद करने के लिए ये मुद्रा योजना चल रही है। वैसे मैं जिस गति से जाना चाहता हूं वो गति तो अभी आनी बाकी है, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है। इतने कम समय में करीब 66 लाख लोगों को 42,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से उन लोगों को मिला, धोबी हो, नाई हो, अखबार बेचने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग। और मुझे तो खुशी इस बात की हुई कि करीब इन 66 लाख में 24 लाख महिलाएं हैं और ज्यादातर ये मदद पाने वाले SC ST OBC इस वर्ग के लोग हैं जो खुद मेहनत करके अपने पैरों पर सम्मान से परिवार को चलाने का प्रयास करते हैं। अभिषेक ने तो खुद ने अपने उत्साह की बात बताई है, मेरे पास भी काफी कुछ खबरें आती रहती हैं। मुझे अभी किसी ने बताया कि मुंबई में कोई शैलेश भोंसले करके हैं, उन्होंने मुद्रा योजना के तहत बैंक से उनको 8.5 लाख रुपयों का कर्ज मिला और उन्होंने सीवेज ड्रेन सफाई का बिजनेस शुरू किया। मैंने स्वच्छता अभियान के संबंध में कहा था कि स्वच्छता अभियान ऐसा है कि जो नए एंटरप्रेन्योर तैयार करेगा, और शैलेश भोंसले ने कर दिखाया। वे एक टैंकर लाए हैं, उस काम को कर रहे हैं और मुझे बताया गया कि इतने कम समय में 2 लाख रुपया तो उन्होंने बैंक को वापस भी कर दिया। आखिरकार हमारा मुद्रा योजना के तहत यही इरादा है। मुझे भोपाल की ममता शर्मा के विषय में किसी ने बताया कि उसको ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से बैंक से 40,000 रुपया मिले। वो बटुआ बनाने की काम कर रही है और बटुआ बनाती है, लेकिन पहले वो ज्यादा ब्याज से पैसे लाती थी और बड़ी मुश्किल से कारोबार को चलाती थी। अब उसको अच्छी मात्रा में एक साथ रुपये हाथ आने के कारण उसने आपके काम को और अधिक अच्छा बना दिया, और पहले जो अतिरिक्त ब्याज के कारण और कारणों से उसको जो अधिक खर्चा होता था, इन दिनों ये पैसे उसके हाथ में आने के कारण हर महीना करीब करीब 1,000 रुपये ज्यादा बचने लग गया और उनके परिवार को एक अच्छा व्यवसाय भी धीरे धीरे पनपने लग गया। लेकिन मैं चाहूंगा कि योजना का और प्रचार हो, हमारी सभी बैंक और ज्यादा संवेदनशील हो और ज्यादा से ज्यादा छोटे लोगों को मदद करें। सचमुच में देश की इकोनॉमी को यही लोग चलाते हैं, छोटा छोटा काम करने वाले लोग ही देश के अर्थ का आर्थिक शक्ति होते हैं और हम उसी को बल देना चाहते हैं। अच्छा हुआ है
लेकिन और अच्छा करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जयंती के दिन मैंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की चर्चा की थी। ये चीजें होती हैं, वो समाज जीवन में निरंतर जागरूकता बनी रहनी चाहिए। राष्ट्रयाम जागरयाम भयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। देश की एकता, ये संस्कार सरिता चलती रहनी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसको मैं एक योजना का रूप देना चाहता हूं। माई गॉव उस पर सुझाव मांगे थे, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा हो, लोगो क्या हो, जनभागीदारी कैसे बढ़े, क्या रूप हो, सारे सुझाव के लिए मैंने कहा था। मुझे बताया गया कि काफी सुझाव आ रहे हैं, लेकिन मैं और अधिक सुझाव की अपेक्षा करता हूं, बहुत स्पेसिफिक स्कीम की अपेक्षा करता हूं। और मुझे बताया गया कि इसमें हिस्सा लेने वालों को सर्टिफिकेट मिलने वाला है, कोई बड़े बड़े प्राइज भी घोषित किए गए हैं। आप भी अपना क्रिएटिव माइंड लगाइए, एकता अखंडितता के इस मंत्र को, एक भारत श्रेष्ठ भारत इस मंत्र को एक एक हिंदुस्तानी को जोड़ने वाला कैसे बना सकते हैं, कैसी योजना हो, कैसा कार्यक्रम हो, जानदार भी हो, शानदार भी हो, प्राणवान भी हो और हर किसी को जोड़ने के लिए सहज सरल हो। सरकार क्या करे, समाज क्या करे, सिविल सोसाइटी क्या करे, बहुत सी बातें हो सकती हैं। मुझे विश्वास है कि आपके सुझाव जरूर काम आएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, लेकिन ठंड में खाने का तो मजा आता ही आता है, कपड़े पहनने का मजा आता है, लेकिन मेरा आग्रह रहेगा व्यायाम कीजिए। मेरा आग्रह रहेगा शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए जरूर कुछ न कुछ समय या अच्छे मौसम का उपयोग, व्यायाम, योगा, उसको लोग जरूर करेंगे। और परिवार में ही माहौल बनाएं, परिवार का एक उत्सव ही हो, एक घंटा सब मिलकर के ही करना है। आप देखिए कैसी चेतना आ जाती है और पूरे दिन भर शरीर कितना साथ देता है। अच्छी मौसम है तो अच्छी आदत भी हो जाए। मेरे प्यारे देशवासियों को फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।